पड़े हाथ जोर से। कल सूतजी महाराज ने कथा सुनाई, नारद जी की कथा, भक्ति की कथा। नारद जी को भक्ति को चारों तरफ पूरी दुनिया में घुमाए, लेकिन शांति कहाँ मिली? वृंदावन में जाकर। कौन कौन गया है वृंदावन? अरे वाह, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। वृंदावन, वृंदावन सौ बन नहीं और नंद गाम सौ गाम। बंसी बट सौ बट नहीं और कृष्ण नाम सौ गाम। वृंदावन सा बन नहीं क्योंकि वृंदावन कोई पृथ्वी का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर बड़े बड़े स्वर्ग के देवता आने को तरसते हैं, उनकी भी एंट्री नहीं है। हाँ, जब कन्हैया का जन्म होने वाला था ना, सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। बोले ब्रह्मा जी, बोले हाँ जी, हमको कन्हैया का सखा बना दो, कन्हैया जन्म लेने वाले हैं, उनके साथ खेलेंगे। बोले नहीं, पहले से संतों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है सखा होने का। संत ही बनेंगे सखा, तुम्हारे नंबर नहीं है। बोले सखा नहीं बना सकते तो सखी बना दो। बोले सखी भी नहीं बन पाओगे, पहले से संतों ने रजिस्ट्रेशन करा हुआ है, कोटा भरा हुआ है। बोले ऐसा करो तो हमको गाय बना लो, बना दो, बछड़े बना दो, हम तो वहीं पर कन्हैया का दर्शन कर लिया करेंगे। बोले नहीं, तुम्हारी किस्मत इतनी इतनी अच्छी नहीं कि कन्हैया तुम्हारे पीछे डंडा लेके चले। पहले से बड़े बड़े मुनियों ने, संतों ने, तपस्वियों ने अर्जी दे रखी है, और ज्यादा गाय भी होना ठीक नहीं है, इससे ज्यादा हम गाय भी नहीं बना सकते, कोटा पूरा है। बोले महाराज जी, अगर आप गाय बछड़ा नहीं बना सकते तो कोई पेड़ पौधा ही बना दो। बोले देवताओं, तुम्हारी किस्मत ऐसी भी नहीं कि तुम पेड़ पौधे भी बन पाओ, कोटा पूरा। बोले पेड़ पौधा भी नहीं बना सकते तो वहां का कोई पर्वत बना दो, पहाड़ बना दो। बोले नहीं, ज्यादा पर्वत होते हैं तो गर्मी लगती है, पर्वत हो चुके। अब तो देवताओं के मन में उदासी छा गई। बोले हम तो कन्हैया के लीलाओं का दर्शन ही नहीं कर सकते, क्या करें? नारद जी नारायण करते करते आए। बोले देवताओं क्यों उदास हो? बोले क्या बताएं, कन्हैया की लीलाओं को देखने का मन था, लेकिन हम तो कुछ बन ही नहीं सकते, ना पेड़ बन सकते हैं, ना पौधा बन सकते हैं, ना गाय बन सकते हैं, ना बछड़े बन सकते हैं, ना ग्वाल बन सकते हैं, ना जो है ग्वालिन बन सकते हैं। बोले एक उपाय मैं बताऊं? बोले कृपा करो महाराज, आप एक चीज तो बन सकती हो। बोले क्या? आप ब्रज में जाकर के धूल के कण बन जाओ, क्योंकि उनकी तो कोई गिनती होती नहीं, धूल के कणों की कोई गिनती नहीं, वो तो कितने मर्जी हो सकते हैं। दौड़े दौड़े गए ब्रह्मा जी के पास, बोले हमको ब्रज में धूल का कण बना दो। बोले ये हो सकता है? तो ब्रज के जो धूल के कण है ना, वो भी दिव्य हैं, वो भी देवताओं का अवतार है। वहां की एक एक सजीव निर्जीव चीज, निर्जीव तो कुछ है ही नहीं, अचेतन्य तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ चैतन्य है ब्रज में। और ऊपर नित्य रहूं लटको अपनी बन मालिक फूल बना दे, लहरें टकराती रहें जिससे उस पुण्य कालिंदी को फूल बना दे, करकंज से थामते हो जिसको उस वृक्ष कदंब का मूल बना दे, पद पंकज तेरे छुएंगे कभी ब्रज राज हमें ब्रज धूल बना दे। ब्रज धूल तो बना दो श्याम, तो वहां की ब्रज धूली भी चैतन्य है। और वहां पर जाकर जिस जिसने बिहारी जी को निहार लिया, बिहारी जी से जिसने नैना लड़ा लिए, बस फिर वो किसी और काम का नहीं रहता।
जिंदगी भर बस एक ही बात कहता रहता है, श्याम सुंदर मुझे एक बार और देखकर आजाद कर दे, मैं अभी तक तेरी पहली नजर की कैद में हूं। तेरी पहली नजर की कैद ने मुझको अब तक जकड़े रखा है। हाँ क्यों, निराली शान रखती है मेरे सरकार की आंखें, छुरी है या के खंजर है मेरे दिलदार की आंखें। वो नादा है जिन्होंने दुनिया में आकर और कुछ देखा, न देखी यार की आंखें तो बस बेकार की आंखें। श्याम सुंदर से जाकर के जिसने नैना नहीं लड़ाए, बेकार है जी। और वृंदावन कोई अलग से नहीं है, वृंदावन श्याम सुंदर का ही अवतार है। हाँ पंच योजन में वास्ती वृंदावन में देह रूपकम, पंच योजन का 60 किलोमीटर का जो वृंदावन है वो मेरा शरीर ही है, श्याम सुंदर कहते हैं। हाँ कोई अलग तो है ही नहीं। एक बार प्रयागराज को तीर्थों का राजा बना दिया, बोले तुम सभी से कर उगाओ और सभी तीर्थों में जहां कुछ कमी हो वहां पर तुमको अपने आप व्यवस्था संभालनी है। तो प्रयागराज जी एक बार ब्रह्मा जी के पास आए, बोले ब्रह्मा जी झूठ मूठ का राजा बना दिया हमको, हमारी बेइज्जती करानी थी तो हमको राजा क्यों बनाया। बोले क्या हुआ, बोले सारे तीर्थ मुझको कर देने के लिए आते हैं लेकिन वृंदावन मुझको कर देने नहीं आता। बोले मैं वृंदावन के बारे में कुछ नहीं बोल सकता भैया, कन्हैया से जाके बात कर। अब कन्हैया के पास आए हैं ब्रह्मा जी भी और तीर्थों के राजा प्रयागराज भी। ब्रह्मा जी कहने लगे कन्हैया, बोले हाँ राजा आए हैं तीर्थों के। बोले भेजो ना अंदर, कहना चाहते हैं। अब ब्रह्मा जी को तो पता था क्या होने वाला, वो तो पीछे खड़े हो गए ना, आगे कर दिया प्रयागराज को। बोले क्या बात है राजन बताओ। बोले महाराज सारे तीर्थ मुझको कर देने आते हैं, वृंदावन नहीं आता। बोले खबरदार, वृंदावन के बारे में एक शब्द कहा था, अरे मैंने तुमको तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया। वृंदावन तो मेरा घर है, उससे कर लेगा। तो एक बार भजन के माध्यम से वृंदावन घूम के आते हैं, उसके बाद कथा प्रारंभ करेंगे जहां कल से छोड़ी थी। मुझे वृंदावन बसा दो, बस यही अरदास है, मैं जपूं तेरा I'm not afraid of the dark.
कथा पूर्ण हुई थी। सनकादि जी सूत जी से अगला सवाल कर रहे हैं। बोले सूत जी, बोले हाँ, इतना बड़ा ग्रंथ, इतना महान ग्रंथ, इसको लिखा किसने और क्यों लिखा, कैसे लिखा, बताइए ना, हम सुनना चाहते हैं। बोले इसको लिखने वाले पाराशर नंदन व्यास जी महाराज थे। वेदों के उन्होंने खंड कर दिए, हाँ, और 17 महापुराणों की जो है रचना कर दी, 6 शास्त्र महाभारत लिख दी, उसमें गीता जैसा अनमोल मोती डाल दिया, फिर भी उनके मन को तसल्ली ना मिली, मन में खिन्नता है। बोले कुछ तो कमी है,
कुछ तो कमी रह गई मुझ पर। जब तक हम जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं कर लेते जिसको हम अपने बच्चों को फक्र के साथ बता सके, बच्चों हमने ये किया है जीवन में, तब तक हमारे मन में थोड़ी अशांति रहती है। हाँ जी, आपने कर लिया सभी ने ऐसा काम जो बच्चों को बता सके फक्र के साथ, हैं? तो मन में अशांति जरूर होगी। क्या फायदा ऐसी विद्या का, ऐसे पैसे का, जो मन को भी शांति ना दे सके। देखिए दुनिया में लोग आकर क्या क्या कारनामे कर गए, डिग्री की, नौकर बने, पेंशन ली, फिर मर गए। कितना बड़ा कारनामा किया। पहले तो पढ़े हैं 10-20 साल, फिर किसी के यहां नौकरी की है, फिर पेंशन लेते लेते मर गए। क्या ऐसा साधारण जीवन ही रहेगा हमारा? साधारण जीवन जीकर के ऐसे मर जाएंगे? ऐसा ही कुछ सोच रखा है क्या? तो असाधारण कार्य करो, ऐसा कार्य कि मन को भी शांति हो कि जीवन व्यर्थ नहीं बताया। हाँ, बुढ़ापे में भजन करना तो मजबूरी है, भजन तो बचपन से प्रारंभ करो, जवानी में ईश्वर को समर्पित करो अपने आप को, अपनी सेवाओं को। क्योंकि जब हम जवान रहते हैं ज्यादातर हमारे जेब में पैसा भी होता है, हम अगर पैसे से सेवा करना चाहें तो कर सकते हैं, ताकत रहती है शरीर में, अगर हम शरीर से भी सेवा करना चाहें तो कर सकते हैं, माइंड बहुत पावरफुल होता है, अगर हम अपने विचारों को सेवा में लगाना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन बुढ़ापे में, कहते हैं ना राजस्थान में, बालापन में खेला खाया, जवानी में हल हाक्या, और आया बुढ़ापा तो माला लीनी, राम जी थारा भी मन राख्या। राम जी अंत में तुम्हारा भी मन राख लिया, ऐसा मत बोलना कि हमने भजन नहीं किया, जब हम पे कुछ नहीं हो रहा तो हम भजन भी कर रहे। अरे मुरझाए फूल को तो हम भी अपने गले से निकाल कर बाहर फेंक देते हैं, इस जवान फूल को समर्पित करो, या ऐसी राष्ट्र की किसी ऐसी विशेष सेवा में लगाओ कि मन को तसल्ली मिले। उन आंखों का हंसना ही क्या, जिन आंखों में पानी नहीं, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी नहीं। जवानी की कहानी